ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इंडिया प्लेस अ प्रोमिनेंट रोल नॉट ओनली इन द इंडो पैसिफिक बट ऑल्सो इन द वाइडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। स्पेन मेंटेन्स प्रिविलेज्ड रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिक टाइज इन द मिडिल ईस्ट, इंक्रीज्ड प्रेजेंस इन अफ्रीका and is a leading voice in the European Union. This geopolitical framework offers many opportunities for our countries to bridge different regions and develop closer and more productive relations. India and Spain also share many goals, in particular strengthening the multilateral order and preserving peace and democracy worldwide. भारत और स्पेन के बीच किस तरह से मजबूत दोस्ती है, इसका अंदाजा आपको ये बयान सुनकर लग गया होगा। स्पेन के राष्ट्रपति के द्वारा कही गई ये बातें बहुत अहम है, क्योंकि भारत की ताकत को न सिर्फ दुनिया के ताकतवर देश बल्कि वो देश जो तकनीक में एक बड़े दक्ष देश हैं वो भी भारत को सराहने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और यही वजह है कि स्पेन के राष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर आए तो भारत और स्पेन के बीच कई अहम समझौते हुए। भारत और स्पेन के बीच बुनियादी ढांचा, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते हुए। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच रेल परिवहन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसके तहत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेशन डिजाइनिंग, विकास और संचालन में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। ये समझौता यात्री और माल ढुलाई के लिए लंबी दूरी की नेटवर्क और शहरी और क्षेत्रीय रेलवे प्रणाली को भी कवर करेगा, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए कुछ विशेष करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, भारत और स्पेन ने साल 2026 को भारत स्पेन संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। दोनों देशों के बीच मजबूत संस्थागत संबंध और लंबे समय से सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। इतना ही नहीं, कस्टम अपराधों की रोकथाम, पहचान और जांच का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी एक समझौता हुआ है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान भारत स्पेन ने वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में स्पेन का नया वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की। इसी क्रम में अगस्त साल 2024 में बार्सिलोना में भारत का वाणिज्य दूतावास भी संचालित हो गया है। स्पेन के राष्ट्रपति का यह दौरा भारत स्पेन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और यही वजह है कि स्पेन के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर उत्सुक नजर आए, भारत के साथ संबंधों पर, दुनिया भर में भारत की भूमिका पर जिस तरह से जोर देते नजर आए, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भारत स्पेन के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।